नमस्कार, मैं प्रिया। धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। बिहार में जदयू और भाजपा के बीच चल रहा अंतर द्वंद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और गाहे बगाहे बार बार सामने आ जाते हैं। अब बांका से जदयू के सांसद गिरिधारी यादव ने भाजपा और केंद्र की सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा बिहार का विकास चाहती ही नहीं है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में जुलाई महीने में हुई बढ़ोतरी के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी मिलने लगी है। इतना ही नहीं, केंद्रीय कर्मचारियों के डीओ और डीआर में बढ़ोतरी के बाद सैलरी के साथ मिलने वाले दूसरे अलाउंस भी बढ़ गए हैं। इसका सबसे ज्यादा फायदा रेंट अलाउंस में हुआ है। अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। उनकी कोरोना नीति से तो वो खासा प्रभावित नजर आए, बाकी मुद्दे तो राजनीति से प्रेरित हो सकते हैं। कोविड प्रबंधन के मामले में यूपी मॉडल की बात हर जगह हो रही है। देश में तो चर्चा हो ही रही, विदेश में भी इस मॉडल का अध्ययन किया जा रहा है। अगर आपका बैंक अकाउंट इन तीन बैंकों में है तो ये खबर आपके बड़े काम की है। 1 अक्टूबर से आपकी चेकबुक बेकार हो जाएगी। ये तीन बैंक है, इलाहाबाद बैंक, ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। यह तीनों बैंक को अन्य बैंक में मर्ज कर दिया गया है। इलाहाबाद बैंक का मर्जर इंडियन बैंक में हुआ है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के मद्देनजर पिछले साल की तरह इस बार भी सभी तरह के पटाखों के भंडारण, पटाखा बेचने के इस्तेमाल करने और पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। तीनों कृषि कानून विरोधी आंदोलनकारियों को समझ में आने लगा है कि वो बुरे फंस गए हैं। उन्हें समझ में आ गया है कि वो चाहे जो कर ले, लेकिन सरकार तीनों कानून को वापस नहीं लेने वाली है। करनाल के बस्तारा टोल में यातायात बाधित करने के दौरान आंदोलनकारियों ने उपद्रव किया और फिर तत्कालीन एसडीएम आयुक्त आयुष सिन्हा को सस्पेंड करने की मांग को लेकर लघु सचिवालय घेरा, लेकिन उन्हें केवल न्यायिक जांच से संतुष्ट होना पड़ा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई भी कर्मचारी और शिक्षक किसी समुदाय के या किसी श्रेणी के छात्र के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करे। आयोग ने विश्वविद्यालयों से साल 2020-21 के दौरान जाति आधारित भेदभाव की शिकायतों और उनके संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी है। लगातार मंडरा रहा है एक्सपर्ट, अब तीसरी लहर के आने की बात सितंबर के महीने में कर रहे हैं, लेकिन इस बीच बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने दावा किया है कि कोरोना की तीसरी लहर अगले 3 महीने में कभी भी आ सकती है। मौसम विभाग ने गुरुवार सुबह तक कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम वैज्ञानिकों ने नदियों के जलस्तर में वृद्धि, निचले इलाकों में बाढ़ के प्रति भी लोगों को सचेत किया है, जिसके तहत गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड सहित कई राज्यों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार पर करारा हमला बोला है। योगी जी के अब्बा जान के बयान को आगे बढ़ाते हुए तंज कसा कि अब भाजपा को कहां दिक्कत है। यूपी में इनके चाचा जान ओवैसी आ गए हैं जो उन्हें चुनाव जिता कर ले जाएंगे। तीन कृषि कानून वापस नहीं लेने पर कड़े कदम उठाने की चेतावनी दी है। महाराष्ट्र में एक बार फिर पर प्रांतियों के मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई साकी नाका निर्भया कांड के बाद राज्य में यूपी, बिहार और अन्य राज्यों से आने वाले लोगों का ब्यौरा जुटाने के लिए कहा है। भाजपा ने मुख्यमंत्री के इस निर्देश की आलोचना की है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से जूझ रहा पाकिस्तान, अब इस आतंकी संगठन ने अब करारा झटका दिया है। पाकिस्तान को लग रहा था कि वो जो भी कहेगा उसको तालिबान आसानी से मान लेगा, लेकिन उसने पाकिस्तानी रुपए में द्विपक्षीय व्यापार करने से इनकार कर उसे तमाचा चढ़ा है। अगले महीने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कई प्रोजेक्ट की सौगात मिलने जा रही है। इसमें कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अक्टूबर अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ से शुरुआत कर दी है। सिद्धार्थ शुक्ला के जाने से टूटी शहनाज के पिता संतोष सिंह गिल ने अपनी बेटी के नाम का टैटू बनवाया है। सोशल मीडिया पर संतोष सिंह गिल के हाथ पर बने टैटू की तस्वीर काफी वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी का नाम लिखवाया हुआ है। इसी के साथ हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना करने की तस्वीर भी नजर आ रही है और नीचे गुलाब का फूल भी बना हुआ है। टीम इंडिया के पूर्व ओपनर और मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर अपने फैंस के साथ बातचीत के दौरान ही सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमों के बारे में भविष्यवाणी की, जिसमें उन्होंने भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज का नाम लिया है। बंबई उच्च न्यायालय ने अभिनेता साहिल खान के खिलाफ 2015 में मुंबई में दर्ज की गई 2 प्राथमिकी को बुधवार को रद्द कर दिया है। बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ की पत्नी आयशा श्रॉफ ने धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी के आरोप में खान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी।
जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बिहार के सत्तारूढ़ दल को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। राजीव रंजन ने साफ किया है कि पार्टी उत्तर प्रदेश और मणिपुर में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। दोनों राज्यों में उसकी कोशिश भाजपा के साथ गठबंधन की होगी। अगर वो संभव नहीं हुआ तो अकेले ही चुनाव लड़ेगी। लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल के रूप में शपथ ले लिया है। राजभवन में उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर एस चौहान ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। कार्यक्रम का संचालन मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संघू ने किया। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारतीय लोगों पर स्पुतनिक लाइट के तीसरे चरण के ब्रिजिंग ट्रायल के संचालन की अनुमति दे दी है। स्पुतनिक लाइट रूसी वैक्सीन स्पुतनिक की सिंगल खुराक वाली कोविड-19 वैक्सीन है। मेडिकल जर्नल द लैसेंट में हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन के बाद यह मंजूरी आई है। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न ट्रिब्यूनल में नियुक्ति को लेकर सरकार के तरीके पर सख्त निगरानी जाहिर की है, जिसके तहत कोर्ट का मानना है कि सरकार ने इन नियुक्तियों में मनमाना तरीका अपनाया। सुप्रीम कोर्ट जजों की अध्यक्षता वाली सिलेक्ट कमेटी की इन ट्रिब्यूनल में नियुक्ति के लिए की गई सिफारिशों को अहमियत नहीं दी। भारत में उच्च इंटरनेट पहुंच दर, सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल और उपयोगकर्ताओं में इंटरनेट साक्षरता की कमी के कारण कोविड-19 के संबंध में सोशल मीडिया पर सबसे अधिक गलत जानकारी दी गई। एक नए अध्ययन में यह दावा किया गया है। टैक्स फाइलिंग में आ रही काफी मुश्किलों के कारण आईटी कंपनी इंफोसिस की आरएसएस से जुड़ी पत्रिका में आलोचना की जा रही है, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन ने नाराजगी जताई है। उन्होंने पूछा कि क्या केंद्र सरकार को कोविड टीकाकरण के मोर्चे पर शुरू से खराब प्रदर्शन के लिए देशद्रोही करार दिया जाना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग ने आईटी उद्योग से कंपनियों को निडर होकर फिर से खोलने का आग्रह किया है, क्योंकि तेलंगाना में कोविड मामले नियंत्रण में हैं। कम से कम अगले 3 महीने में तीसरी लहर की कोई संभावना नहीं जताई गई है। देश में अभी भी कोरोना महामारी का आतंक बना हुआ है। इस बीच केंद्रीय औषधिक अनुसंधान संस्थान लखनऊ ने कोविड-19 की स्वदेशी दवा उमी फेनोविर बनाने का दावा किया है। संस्थान के मुताबिक इस एंटीवायरल दवा के तीसरे राउंड का क्लिनिकल ट्रायल कामयाब रहा। केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से बुधवार को आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना को मंजूरी मिल गई है। यह 64 करोड़ रुपए से की योजना है। बुधवार को सूत्रों ने यह जानकारी दी है। योजना के तहत सभी जिलों पर 3,382 ब्लॉक में एकीकृत जन स्वास्थ्य लैब की स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन SCO परिषद की देश की शिखर बैठक को डिजिटल माध्यम से संबोधित करेंगे। यह बैठक 17 सितंबर को तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित होगी। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। प्रिंस राज पर हुए FIR के मामले में अब जा करके चिराग पासवान ने सफाई दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि मैं पहले भी इस बात को लेकर कह चुका हूं कि मुझे इस पूरे मामले की जानकारी थी। मैंने उन दोनों से बातचीत करने की कोशिश की, इतना ही नहीं लड़की को समझाया भी था कि वो पुलिस को जा करके कंप्लेन करे। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर 2 चरणों में नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, जिसके बाद अब तीसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जो कि कल से शुरू होगी। वहीं आज तीसरे चरण की सीटों पर अधिसूचना जारी कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार में आगामी पंचायत चुनाव में तीसरे चरण में 35 जिलों के 50 प्रखंडों में चुनाव का आयोजन होने वाला है। बुधवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी की गई ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 27,176 नए कोरोना केस सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 284 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई है। 38,012 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि 11,120 एक्टिव केस कम हो गए हैं। कोरोना की मार झेल रही ऑटो इंडस्ट्री को बड़ी राहत मिली है। दरअसल केंद्र सरकार की कैबिनेट ने ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दे दी है। स्कीम में ऑटो कंपोनेंट और ड्रोन सेक्टर भी शामिल है। ये स्कीम 5 साल के लिए लागू रहेगी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है, उनके नाम है गुड्डू कुमार, शंकर मुखिया, प्रहलाद जोशी, शिल्पा सिंह, राजेश कुमार, नीतीश कुमार, अभिलाषा कुमारी, दिव्यांशु कुमारी, धर्मेंद्र कुमार, मोहित प्रकाश, मोहित मृणाल, सोहेल सिंह, मोहम्मद फैजान। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए क्या आप अभी भी कोविड-19 के बचाव के लिए जारी किए गए नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।